क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग अ करंट आई द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर्ड पावर. वो ए स्क्वायर इसलिए बोल गए क्योंकि ज़्यादातर रेडियस को हम तो कह रहे किसी भी क्वाइल में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, ये क्वाइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इस क्वाइल की रेडियस कितनी है, आर है, तो इससे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है. पढ़ाया आपने, प्रूफ भी कराया गया था, चूड़ी रखे में इसे किए थे, याद करिए, याद है? बोले ये याद नहीं, कुछ हाँ इसे आप कर तो रहे थे. तो इसका पहला पार्ट आपसे ये कह रहे हैं कि शो दैट दैट दिस रिड्यूसेस टू अ फैमिलियर रिजल्ट फॉर अ फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द क्वाइल. यानी अगर हम इस पॉइंट को सेंटर पे शिफ्ट कर दें तो आपको एक फैमिलियर रिजल्ट मिलेगा, एक ऐसा रिजल्ट जिसको आपने कहीं देखा हो. तो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालो, फील्ड एट द सेंटर. तो सेंटर के लिए क्या होगा, जो आप एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिए थे वो शिफ्ट होके सेंटर पे आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. सो बाई इक्वेशन वन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान, जब आप x को जीरो कर देंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, टू आर क्यूब, और आर क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई अपान टू आर. इस रिजल्ट से आप पहले से फेमिलियर हैं कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वाइल हैविंग द एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड हैविंग द करंट आई एंड आर इज द रेडियस ऑफ द क्वाइल. तो ये आपको रिजल्ट मिल गया, यही आपसे कह रहे हैं कि जब सेंटर पे जाओगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो एक फैमिलियर होगा जिसको आप जानते हैं. बोले हम तो नहीं जानते, नहीं जानते हम तो नहीं जानते, तो नहीं जानते ऐसा थोड़ा, हम तो गुलाम साहब भी नहीं जानते. अब वो एक अलग की बात है, जो नहीं जानते वो जान लें कि वो जानते हैं, ठीक. कभी कभी होता नहीं जैसे कहते ये आपको आता, बोले जी क्लास में आप पूछे हैव यू गॉट इट, पूरा क्लास क्या बोलता है, या सर, और किसी को खड़ा कर दो स्टैंड अप, व्हाट यू हैव गॉट, क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या, बोले हाँ फिजिक्स पढ़ा रहे, यही पढ़ाते हैं फिजिक्स, अच्छा हम तो बायोलॉजी खोले बैठे हैं. मतलब उनको समझ में आ गया आप क्या पढ़ा रहे हो, ये नहीं मालूम सामने वाला पढ़ा क्या रहा है. तो ये फेमिलियर रिजल्ट आना चाहिए आपको, ठीक है. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा उसको लिखने के उसके जो टेक्निक है वो तो खतरनाक टाइप की है. क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ इक्वल रेडियस आर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर. देखिए दो कोएक्सियल क्वाइल्स, ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि जगह बहुत घेर रहे हैं इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं. दो कोएक्सियल क्वाइल्स हैं मतलब सेम एक्सिस पर हैं, जैसे गाड़ी के पहिया होता है ना, तो सेम एक्सिस पे दो पहिए होते हैं, किधर होता है किधर होता है, इसे रोटेट करते हैं. तो इस प्रकार से सेम एक्सिस पे दो क्वाइल हैं, यहाँ बना देते हैं, एक क्वाइल यहाँ पर है, वाह क्या क्वाइल है, अच्छा ये तो लग रहा है किडनी का सेप बना है. क्या बताएं, ये बायोलॉजी वालों से कहते हैं कि थोड़ा आर्ट वार्ट सिखा यार कैसे, अरे ठीक है एक क्वाइल ऐसे है, अब इससे अच्छी नहीं बन पाएगी, और इसके एक्सिस पर एक क्वाइल यहाँ पर बनी है. चूंकि मैं हमने गड़बड़ कर दिया ना, कोई 20 से हमने इसको रोटेट करा दिया इसलिए गड़बड़ हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि उससे बढ़िया बढ़िया बन जाती, कुछ ज़्यादा अच्छी बन जाती, अरे ठीक है ऐसे. इस क्वाइल को ऐसे समझिएगा कि ये पार्ट पीछे वाला, ये पार्ट तो ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे क्वाइल रखी हुई है, ठीक है. ये दो कोएक्सियल क्वाइल हैं और दोनों की रेडियस कितनी है, आर है. ये दोनों की ये दोनों का सेंटर है और ये दोनों की रेडियस है, ठीक है. आर रेडियस है क्या, अच्छा. कह रहे हैं कि टू पैरेलल कोएक्सियल क्वाइल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर, तो आर लिखा हुआ है,
अब हमारे में आर लिखा हुआ है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन कैरिंग द इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा डायरेक्शन शो करते हैं। हम फिलहाल दोनों में इस प्रकार की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत, यानी इधर भी करंट ऐसी फ्लो रही है और इधर भी करंट ऐसी फ्लो रही है, ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकली प्रूफ है ये। अच्छा, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी आर है, मतलब सेपरेशन रेडियस के बराबर है, ठीक है। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कॉइल, ये दोनों कॉइल के सेंटर्स हैं और ये इसका मिड पॉइंट है एम, तो मिड पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इर्द गिर्द निकालना, आसपास, बहुत क्लोज, मिड पॉइंट पे नहीं, मिड पॉइंट के आसपास, आस या पास, इधर निकालो या इसी, इसलिए आसपास कहा होगा, आस पास, एक तरफ वाले को आस कहते हैं, दूसरे तरफ वाले को कहते ऐसे कहते होंगे। मिड पॉइंट बिटवीन द कॉयल इज यूनिफॉर्म ओवर द डिस्टेंस दैट इज स्मॉलर देन आर इज गिवन बाय दैट 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 जो भी है, यानी कि आपको इस पॉइंट के बहुत नज़दीक यहाँ दो पॉइंट है, मतलब इधर भी हो सकता है वो इधर भी हो सकता है, नाम कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, नाम फिलहाल आप जो भी लिखें, हम पी क्यू ए ले रहे हैं तो हम भी पी क्यू ले रहे हैं, ये पी है ये क्यू है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसके बीच की दूरी को लिखनी पड़ेगी, तो हमने इसको डी मान लिया, ये डी डिस्टेंस ये ले लिया, इधर भी ले सकते हैं, क्या बताइए, ये डी डिस्टेंस ले लिया और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इधर से आर बाई टू हो जाएगी और इधर से भी आर बाई टू हो जाएगी, अब बताइए क्या बता रहा हूँ, नहीं सोल्यूशन में ना पहुँचिएगा, मिड पॉइंट के क्या कहा है, मिड पॉइंट नहीं कहा है, अराउंड द मिड पॉइंट कहा है, मिड पॉइंट के आसपास निकाल ली, जरा समझने की करिए, अब आस में हम पी ले सकते हैं और पास में हम, तो हम फिलहाल डी इज़ वेरी 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 स्मॉल, स्मॉल बहुत है, तो डी बहुत स्मॉल होगा, तो डी को कब किक आउट करेंगे, जब आर के साथ आ जाएगा कहीं पर, तब बताएंगे ओए यहाँ क्या कर रहा, चलो पत्तल उठाओ, अकेले नहीं, जब डी आर के साथ आएगा तब उसको बताएंगे तो बहुत छोटे हो, तो हम पहले एट पी पॉइंट ले रहे हैं, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं, देखो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पहली कॉइल इसका सेंटर ओ वन मान लो, इसका सेंटर ओ टू मान लो, मतलब पहले वाले को वन माने दूसरे वाले को टू माने, इसलिए नाम थोड़ा चेंज किया गया है, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओ वन निकालने जा रहे हैं, इसमें करंट कितनी फ्लो रही है, आई फ्लो रही है, सेम करंट है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ओ वन, मतलब ओ वन मतलब वो ओ वन नहीं माइक्रोवेव वाला, मतलब ओ वन जिसका सेंटर है, किसी भी क्वाइल की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अभी बता चुके हैं आप, क्या लिखा था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर्ड पावर थ्री बाई टू होता है ना, तो यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे उसको बी वन माना हमने, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, अच्छा नंबर ऑफ टर्न सेम है कि अलग अलग है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है, करंट भी सेम है, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो सब कुछ सेम दिख रहा है, अपान टू, अब देखो आर स्क्वायर तो रेडियस होती है, आर स्क्वायर, अब जरा सावधान, प्लस यहाँ से इसकी दूरी क्या दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर ये डी डी माना है आपने, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी कितनी दिख रही है आपको, आर बाई टू प्लस डी, ये दिख रही है ना, यानी ये क्या दिख रही है, आर बाई टू प्लस डी का होल स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, क्या बता सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, ये करंट ऐसे आपने निकाली है ना, ये करंट तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर की तरफ होगी, वो से ओ वन से पी की तरफ, भाई हमने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट कॉइल का पीछे है और ये वाला कॉइल का पार्ट आगे है, तो करंट इस प्रकार से कॉइल में ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ओ वन से लेकर के पी की तरफ चलेगा, ऐसे बोल लिख दें, ओ वन पी वैक्टर मतलब ओ वन से लेकर के पी की तरफ है, यही तो होगा मैग्नेटिक फील्ड, अभी इसको हम कुछ कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, ठीक है, अब जरा उसके पास आइए, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी
ड्यू टू ओ टू की वजह से निकालने जा रहे हैं बी टू, सबको तो सेम होगा, म्यू नॉट होगा, एन होगा, आई होगा, आर स्क्वायर होगा अपान टू होगा, आर स्क्वायर होगा प्लस ये कितना होगा दूरी, ओ टू से पी की दूरी कितनी है आर बाई टू में से डी माइनस करोगे तो आएगा आर बाई टू माइनस डी का होल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू। अब जरा देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रही ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा ना, पी से लेकर के ओ टू की तरफ, यानी इसको क्या लिख सकते हैं पी ओ टू लिख दें चलेगा क्यों? अब देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे ऐड कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नेट एम फील्ड एट पी। अब इस डायग्राम को रब कर दें, डायग्राम समझ में आ गया ना, इस कॉइल का एक पर्टिकुलर नेम है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, रब कर दें इसको। देखिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, म्यू नॉट कॉमन, एन कॉमन, आई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, टू कॉमन, और जो नहीं कॉमन है वो इधर वन अपान, असल नोट करिए यहाँ लिखेंगे आप, सर नोट कर लीजिए फिलहाल जगह वहाँ नहीं है। तो ये बी वन और बी टू के लिए उठा के हमने रख दी, अब ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको, ठीक है। डी को क्या माना गया है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो वो जब स्क्वायर होगा तब नेगलेक्ट हो जाएगा वो, या तो इसको खोलते हैं हम, देखिए म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान टू, ज़रा यहाँ देखिएगा वन अपान ये आर स्क्वायर होगा, इसको खोलो क्या आएगा आर स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी, टू ए बी होगा ना, टू कट जाएगा कि पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी की पावर थ्री बाई टू। अब कौन नेगलेक्ट होगा, क्यों भाई, ये भाई साहब आर के साथ इर्द गिर्द टहल रहे हैं, तो आप लिखेंगे नेगलेक्टिंग डी स्क्वायर, क्यों आप लिखेंगे एज डी इज लेस एंड लेस देन आर सो नेगलेक्टिंग डी स्क्वायर। देखिए खुद अगर अकेला डी होता तो नेगलेक्ट करते, तब नहीं नेगलेक्ट करते, चूँकि डी स्क्वायर किसके साथ आ गया है आर के साथ, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसको नेगलेक्ट किया गया। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान टू, यहाँ पे आइए ये तो भाई साहब हट गए, ये एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा वन अपान फाइव आर स्क्वायर अपान फोर प्लस आर डी की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपान ये कितना आएगा फाइव आर स्क्वायर अपान फोर माइनस आर डी की पावर थ्री बाई टू। अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो क्या थ्री बाई टू खोलेगा, कुछ फार्मूला आपको नहीं मालूम, फिलहाल इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया भाई साहब, ये देखिए चाचा जो ये है ना, ये जब किसकी बात करो, कहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर, किसकी बात कर रहे हो भाई, कहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, पावर में मल्टीप्लाई अपने आप होता है, जो चाहो मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ ब्रैकेट खुलेगा, अभी ये इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, अभी दो जगह पावर चढ़ी है ना, अगर केवल एक्स स्क्वायर लिखा होता है, ये कह रहे हो ना ये थ्री बाई टू होता तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन भाई साहब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखा होगा, तब क्या करेंगे आप, तब ये नहीं हो सकता ना, ये मल्टीप्लाई में कौन रूल होता है, प्लस की में रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान टू, जब बात समझ गए क्या कह रहे हैं, अरे वाह हम नहीं समझ पाए थे, फाइव आर स्क्वायर बाई फोर प्लस आर डी की पावर कितना आएगा थ्री बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू, ऊपर जाएगा ना ये शिफ्ट हो रहा है, तो फाइव आर स्क्वायर अपान फोर माइनस आर डी की पावर माइनस थ्री बाई टू। अभी चलिए अभी रास्ता लंबा है, अब देखो इसको ओपन कैसे किया जाए,
बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम चूंकि आपने जो पढ़ी है वो सस्ती वाली पढ़ी है, एक्स प्लस ई टू पावर एन। अगर वन प्लस एक्स टू पावर एन हो और एन कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे फ्रैक्शन में हो, तो इसको आप एक स्टेप खोल सकते हैं वन प्लस एन एक्स। शर्त यह है कि एक्स का मान लेस देन वन होना चाहिए, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, यानी यह वन होना चाहिए। तो वन लाने के लिए क्या करें, या तो ये कॉमन ले लें या तो ये कॉमन ले लें। तो कॉमन उसको लेंगे कि जो वैल्यू यहाँ बचे वो वन से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू टी की तुलना में बहुत बड़ी है। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो पहली बात तो फोर अपान फाइव यहाँ हो जाएगा, वन से छोटी वैल्यू आ जाएगी, और आर अपान में आएगा और आर की वैल्यू बड़ी होती है तो ये वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी। तो कॉमन क्या लेंगे, फाइव आर स्क्वायर अपान फोर यहाँ कॉमन लेंगे और फाइव आर स्क्वायर अपान फोर यहाँ से कॉमन लेंगे। लीजिए कॉमन इसमें, बोले छोड़ ना देंगे इस क्वेश्चन को, कॉमन लेंगे ये लेंगे बोलेंगे, हम लगाएंगे ही नहीं क्वेश्चन, अभी सुने ले रहे हैं, यस सर किए दे रहे हैं, फिर अपना काम करो, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लगाएगा। अपान टू देखिए, यहाँ से फाइव आर स्क्वायर अपान फोर यहाँ कॉमन लिया, देखो इधर यहाँ भी कॉमन लिया, जब कॉमन निकल के आएगा तो थ्री बाई टू क्या होगी, पावर उस पर चढ़ जाएगी, यानी कि ये कॉमन क्या हो जाएगा, फाइव आर स्क्वायर अपान फोर टू पावर माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, अच्छा यहाँ से कॉमन लिया है आपने, ये पूरे में कॉमन लिया है हमने, तो हम इसको फिलहाल बाहर लिखे दे रहे हैं, चलेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ से ये कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तो है नहीं फाइव बाई फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर बाई फाइव हो जाएगा, आर आपने कॉमन ले लिया है तो अपान आर, तो ये बचेगा डी अपान आर, ये बचेगा ना कि पावर माइनस थ्री बाई टू, और प्लस यहाँ आएगा वन माइनस फोर डी अपान फाइव आर टू पावर माइनस थ्री बाई टू। चले यहाँ तक पहुँचे आप, अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए, वन प्लस एक्स टू पावर एन इज इक्वल वन प्लस एन एक्स, एक स्टेप गिवन, वैसे तो इनफाइनाइट टर्म्स तक ही जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान टू इन टू, ये पलट जाएगी वैल्यू, फोर अपान फाइव आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू हो जाएगी, और ये देखिए खोलिए इसको, वन प्लस एन एक्स होता है तो क्या आएगा, लोगों को नींद आ रही है, अरे दहा दर दहा दा ए आइजक न्यूटन, फोर डी अपान फाइव आर, आदत नहीं है ना, और प्लस वन प्लस हो जाएगा ये, फोर अपान फाइव डी आर इंटू थ्री बाई टू, ये दोनों सही बात कट जाएंगे ना, क्यों बचपे जी, ये दोनों कट जाएंगे ना भाई, ये वन प्लस एन एक्स, यहाँ एन निगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ टू बचेगा और टू से टू उठ जाएगा तो क्या जाएगा। अब देखो जरा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, फोर की पावर थ्री बाई टू, अब जरा मैथमेटिक्स लगाते हैं, फोर की पावर थ्री बाई टू क्या आएगा, यानी फोर की पावर थ्री बाई टू मतलब फोर रूट फोर, थ्री बाई टू बोले तो डेढ़, 64 आएगा, अरे यहाँ हो ना तो 8 आ जाएगा ना, तो 8 हो गया और अपान ये 2 हट गया ना, वहाँ से कट गया है, ये 5 रूट 5 है ना, तो 5 रूट 5, और ये क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा ना, ऊपर क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान 2 हट गया है। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, आर से आर कट जाएगा तो आएगा म्यू नॉट एन आई अपान आर, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये कह रहे हैं कि 0.72 आएगी, 0.72 अप्रॉक्सीमेट आएगी ये वैल्यू, लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए फाइव रूट फाइव, रूट फाइव की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होता है, टू पॉइंट समथिंग होता है ना, तो पाँच दुनी दस, दस से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, अगर दस से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.8, और ये 10 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी तो 0.8 से कुछ छोटी वैल्यू हो जाएगी वो, तो इसलिए 0.72 आ रहा है, यही आपसे किया गया। ठीक है, और इस अच्छा इसी प्रकार से क्यू पॉइंट पे आप निकालेंगे तब भी यही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। इस प्रकार की क्वाइल को हेल्महोल्ट्ज़ क्वाइल कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ आपने बनाया था उस चीज़ को, एक ऐसी क्वाइल जिसमें करंट फ्लो करो और मिड पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा तो वहाँ पर कोई भी क्वाइल दूसरी रख करके उसको रोटेट करा सकते हैं आप, भाई दो क्वाइल ले लीजिएगा उसमें करंट फ्लो करा दीजिए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट के आसपास अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल आराम से घूमेगा, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, थोड़ा एक जैसा रहेगा ना, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट के आसपास भी एक जैसा रहेगा,
तो थोड़ा बहुत चार्ज पार्टिकल शिफ्ट भी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी वैल्यू वहाँ पर सेम रहेगी जो कि वैल्यू ये होगी, ठीक। इसीलिए इसको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल भी कहा जाता है। समझ में आई बात?